कतर के अंदर ना काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनकी भी कोई छुट्टी नहीं, जो ड्राइवर होते हैं घर के उनकी भी कोई छुट्टी नहीं होती, जो मजरम काम करते हैं उनकी भी कोई छुट्टी नहीं होती। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। इस टाइम ईद की चल रही छुट्टी, यानी इस टाइम स्कूल की भी छुट्टी है ईद की वजह से, और है आज संडे, तो संडे की वजह से हम लोग आज घर के बाहर बैठे हैं। आप लोग देख सकते हो ये हम घर के बाहर अपने बैठे हुए हैं, और गर्म की वजह से पेड़ के नीचे बैठे हुए, यानी कि यहाँ पर जो है नींबू का पेड़ में दिखाते तो आपको, नींबू के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और नींबू फरा हुआ भी है। तो भाई ये नींबू के पेड़ के नीचे हम लोग गर्म की वजह से बैठे हुए हैं और लाइट भी आ रही है, लेकिन जो बाहर मज़ा है वो कमरे के अंदर मज़ा नहीं है, आपको पता है कि लाइट की वजह से, और गर्म भी ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़, जो लोग कतर में रहते हैं भाई, तो कतर में भी छुट्टियाँ चल रही हैं, कतर में यानी कंपनी वालों की छुट्टी चल रही हैं, दुकान वालों की छुट्टी चल रही है, और जितने बाहर काम करने वाले उनके भी वो तो छुट्टी चलती है चलती है, क्योंकि उनको तो अपने मन का ही काम करना है, इस टाइम जाना जाएंगे नहीं काम करना है नहीं जाएंगे। लेकिन जो मजरा वाले हैं, जो हाउस ड्राइवर हैं, जो खद्दामा हैं भाई, उनका काम बिल्कुल चल रहा है और उनको छुट्टी भी बिल्कुल नहीं मिल रही। आपको लोग को पता है साल के 20-25 साल भी रहेंगे ना, फिर भी उनको छुट्टी नहीं मिलने वाली, ना हाउस ड्राइवर को, ना खद्दामा को, ना मजरा वाले, तीन ऐसे वर्कर हैं कि इनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती लाइफ में। बीमार हो गए या तबीयत ख़राब है तो छुट्टी मिल जाती है, अगर उनको साथ में कुछ हुआ या कोई, तो इनके साथ में कुछ हुआ, जैसे हाउस ड्राइवर हैं, मजरा वाले हैं, खद्दामा हैं, जैसे और एक आध वर्कर हैं जिनके मतलब तबीयत ख़राब है या कोई हादसा हो गया तभी छुट्टी मिलती है। अगर आप हाउस ड्राइवर हो या मजरा में काम करते हो या खद्दामा में काम करते हो, घर के अंदर कोई भी काम करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग की छुट्टी है या नहीं है। वो अलग बात है कि फ़ोन ना आए कपिल का, फ़ोन ना आए 1 घंटा 2 घंटा 12 घंटा 10 घंटा फ़ोन ना आए, खाली खा के सोना है, और अब फ़ोन नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको कहीं जाना नहीं है, अपने रूम में रहना है, क्योंकि आपको पता है कि हाउस ड्राइवर की ड्यूटी और मजरा खद्दामा की ड्यूटी, जो जो लड़कियाँ खाना बनाती हैं बाहर कंट्री से आके घर में काम करती हैं, नहाने का, पोछने का, घर का कोई भी जितना भी काम करते हैं, उन लोग का भी एक भी छुट्टी नहीं रहता। सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम के 12-1 बजे तक खद्दामा काम होता है, जो नौकराइन होती है घर में, उनका काम सुबह 5 बजे से लेके और शाम के 12-1 बजे तक काम रहता है। और जो हाउस ड्राइवर है तो उनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से 6 बजे चालू होती है, तो उसके बाद कोई भी टाइम टेबल नहीं, यानी कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, सारा दिन ड्यूटी है या नहीं है। तो इस तरीके से वर्कर का, जो हाउस वर्कर है, इस तरीके से इन लोगों का काम होता है। और दूसरी चीज़, जो मजरा में काम करते हैं तो उनका भी तो भाई, तो जंगल में पड़े रहते हैं, बालों में, रंबल में पड़े रहते हैं, रम्मल के वजह से कहीं जा भी नहीं सकते ना कहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, और जहाँ पर मजरा होता है वहाँ दूर दूर तक ना कोई घर होता है ना कोई दुकान होता है। उनका कपिल लेके आता है, खाना लेके आता है, राशन लेके आता है, कोई भी सामान मंगाते हैं उनका कपिल लेके आता है। और दूसरी चीज़, जैसे एक जैसे सैलरी मिल जाती है तो सैलरी भी कपिल लगाने जाता है, नहीं तो कपिल अपने साथ में लेके जाते हैं। तो जो बाहर लोग काम करते हैं, जो कतर में हैं या और कोई कंट्री में काम करते हैं, जो हाउस वर्कर हैं, उन लोग को पता, जो मजरा वाले, उनको पता किस तरीके से यहाँ पर ड्यूटी है, ड्यूटी होती है। और गांव का माहौल भाई इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक ए भी आ चुके हैं हमारे पीछे, बाबू भाई अजर भी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से भाई बाहर की ज़िंदगी है, और गांव की ज़िंदगी तो आप लोगों को तो पता ही है किस तरीके से यहाँ लोग मज़े करते हैं, घूमते हैं और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग सऊदी, कतर, दुबई के सारे रहते हैं, बहुत से जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं भाई, उनकी भी एक अच्छी लाइफ होती है, वो अच्छी ज़िंदगी होती है। और जो बाहर काम करने वाले ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा अच्छा खा सकते हैं, और उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आज से 8 साल जो पहले था, 8 साल पहले, तो 8 साल पहले फ़ायदा था, अभी अब इस टाइम फ़ायदा नहीं। जितना आपकी सैलरी है, ज़्यादा 1500 सैलरी है तो 1200 क्या 30,000 बचना बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर कतर के अंदर हो तो। अगर सऊदी में हो तो भाई 1500 सैलरी में आपका 18-19 हज़ार रुपया बचता है। तो इस तरीके से काम है। और जो लोग बाहर कंट्री में, आप लोग को पता है किस तरीके से सैलरी होती है और किस तरीके से बचा के घर को भेजना पड़ता है। बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जो ईद के टाइम भी अपने घर के लिए पैसे भेजे हर कुछ, लेकिन अपना कपड़ा नहीं बनवा पाता इंसान, अपना शौक नहीं पूरा कर पाता है, क्योंकि हर चीज़ कमाता भी है, अच्छा खाता भी है वहाँ पर रहकर, पर अपना शौक नहीं पूरा कर पाता है सिर्फ घर वालों की वजह से। तो ये सारी मजबूरी हैं जो बाहर लोग काम करते हैं, और अच्छा भी है, जिनका जम गया भाई उनके लिए तो अच्छा है, जिनका नहीं जमा तो उनके लिए बेहतर है। तो आप लोग को पता है
तो कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।